तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गया हूं दोस्तों आपके लिए एक और बहुत ही प्यारी इंडिपेंडेंट कोठी लेके। गेटेड सोसाइटी में रहने वाली है और 110 गज की बनी दोस्तों, बहुत ही प्यारी बनी हुई है। और ये आप देख रहे हैं गेटेड सोसाइटी के व्यू। और सारी दोस्तों आप देख रहे हैं सारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट विला रहने वाले हैं। बड़ी बड़ी आपकी रोड रहने वाली है, देखिए 35 फीट की आपकी रोड रहने वाली है। ग्रीनरी आपको इसमें मिल जाती है, अंदर ही मार्केट मिल जाएगी सारी, अंदर ही आपको पार्क मिल जाएगी, सारी अमेनिटीज आपको अंदर ही मिलने वाली है। आप इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आप हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमें कॉल करें दोस्तों। बहुत प्यारी कोठी, आप इसका एक बार देखिए एलिवेशन। और देखिए दोस्तों बहुत प्यारा इसका एलिवेशन रहने वाला है। एलईडी लाइट्स का देखिए कितना प्यारा यूज़ करा गया है। और आप देखिए ग्लास का, स्टील रेलिंग का, और ऊपर देखिए दोस्तों वुडन टच कितना अच्छा लग रहा है। बहुत एक प्यारी दोस्तों लग्जरी कोठी ये रहने वाली है। और आप देख रहे हैं बाहर भी आपको दोस्तों आराम से दो गाड़ियाँ आपकी पार्क हो जाएंगी और एक गाड़ी आपकी अंदर भी पार्क होने वाली है। तो आइए चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। और ये देखिए, ये हमारा आ गया पार्किंग एरिया, पूरा ग्रेनेड लगा हुआ हमारे पार्किंग एरिया में। इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है 15x10 का रहने वाला है। और देखिए दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों इसको मेंटेन करा गया है, स्टील रेलिंग के साथ आपकी स्टेयर्स बाहर भी जाती हैं, आपको डे वन से रेंटल इनकम आ सकती है। और यहाँ पे देखिए बहुत प्यारी ये डिज़ाइन, मैं कोशिश करता हूँ अगर इसमें लाइट भी ऑन हो जाए। ये देखिए एलईडी लाइट्स के साथ दोस्तों ये वुडन के बहुत प्यारे आपको यहाँ डिज़ाइन मिल जाते हैं। इससे दोस्तों हमारे घर को चार चांद लग जाते हैं। और यहाँ पे हमारी आ जाती है टू व्हीलर पार्किंग। और इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका साइज बना है 12x5 का। और यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रीन एरिया मिल जाता है, आप चाहें अपनी यहाँ ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं। और इसको अगर आप दोस्तों परमानेंटली हटाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे इसका आपने एलिवेशन देखा, बहुत प्यारा एलिवेशन, अंदर से भी आपको बहुत प्यारी मिलने वाली है। तो ये हमारा स्टेयर्स के नीचे आया दोस्तों, आ गया हमारा स्टोरेज एरिया। आपका जो सिलेंडर है वो यहीं आने वाला है। और ये देखिए ये हमारा एंट्रेंस आ गया दोस्तों, मैश डोर बिल्कुल एज इट इज हैवी मैश डोर आपको मिलने वाला है। और ये देखिए बहुत प्यारे दोस्तों आपके एंट्रेंस डोर आ गया। और जितना भी दोस्तों आप इसको देख रहे हैं सारा ये डिको का काम हो रखा है। और अंदर आते दोस्तों आपको एक फील आने वाला है, ये देखिए बहुत ही प्यारी दोस्तों। सबसे पहले आप इसकी देखिए डाउन सेटिंग, बहुत प्यारी एलईडी लाइट्स के साथ वुडन का देखिए कितना प्यारा यूज़ कराया गया है। और जहाँ पे भी आप देखोगे वुडन की आपको पैनलिंग हर जगह नज़र आ जाएगी। और अगर मैं इस वॉल की बात करूँ दोस्तों, ये देखिए पीओपी के डिज़ाइन बीच में बहुत अच्छा दोस्तों ये वॉलपेपर, और ये ग्लास का यूज़ कराया गया है। और यहाँ पर भी बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ कराया गया है। और ये पूरा आपका लिविंग एम डाइनिंग एरिया की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है 20x12 का रहने वाला है। डबल चार्ज ब्यूटीफुल टाइल लगेंगी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़े साइज़ का हमारा आ जाएगा टीवी पैनल, यहाँ पे आप अपना चाहे 55 इंच का टीवी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको मिल जाएगी स्टोरेज, ये देखिए 3 कंपार्टमेंट आपको ये स्टोरेज के मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपना दोस्तों कोई भी मोबाइल एक्सेसरी, अपने रिमोट वगैरह वो स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत प्यारा दोस्तों इसका डिज़ाइन निकल के आ रहा है। और यहाँ पे आ गई हमारी यू शेप में बहुत बड़े साइज़ की किचन, इसका जो साइज़ रहने वाला है 11x8 का। और ये देखिए बहुत अच्छा फैंसी लाइट का यूज़ कराया गया है। और ऊपर देखिए वुडन की पैनलिंग बहुत अच्छी लग रही है हमारी डाउन सीलिंग में। जैसा घर आप देख रहे हैं बिल्कुल आपको एज इट इज डिलीवर होने वाला है। ये स्पेस आ गई हमारी रेफ्रिजरेटर के लिए। और ये आ गया हमारा दोस्तों पेंट्री एरिया, यहाँ पर आप अपनी क्रॉकरी रख सकते हैं, नीचे भी आपको ग्लास के साथ मिल जाएगा पार्टीशन। और यहाँ पे आपकी स्पेस आ गई चिमनी की, गैस पाइपलाइन आपकी अंडरग्राउंड रहने वाली है। और ये देखिए बहुत बड़े साइज की, बहुत बड़े बड़े कंपार्टमेंट सॉफ्ट क्लोजर के साथ, और पूरी यू शेप में किचन है। ये पूरा दोस्तों आपका क्वाड लगा हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है। और ये हमारा आजकल दोस्तों नए ट्रेंड का सिंक, जिसको हम दोस्तों ये स्टील का नहीं है, ये पीवीसी मिक्स मटेरियल है और ये नॉइस प्रूफ रहता है। यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए। तो ये देखिए बहुत प्यारी किचन है दोस्तों, ये आपको चिमनी की प्रोविजनिंग, ऊपर आपको ये देखिए हाइड्रोलिक के साथ मिलने वाले हैं, ये भी आपको हाइड्रोलिक के साथ मिल जाएगा। और इधर भी सेम एज इट इज ऐसे ही है। तो बस आपको इसको एक बार दोस्तों ओपन करना है, ये देखिए तो बहुत प्यारी लगता है दोस्तों, घर बनाया गया है अपने रहने के लिए। जी हाँ, आपके रहने के लिए बनाया गया है, बहुत प्यारा, बहुत दोस्तों इसको दिल से बनाया गया है। आप इसको एक बार ज़रूर चेक करें,
क्योंकि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, गेटेड सोसाइटी में ही रहने वाला है। तो आइए चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में। इस बेडरूम का जो साइज़ रहने वाला है वो है 13x11 का। तो ये देखिए, डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं, ये देखिए बहुत प्यारे वॉलपेपर, और ये देखिए डाउन सीलिंग, देखिए यहाँ से शुरू हो गई आपकी पूरी दोस्तों ऊपर तक जा रही है, बहुत प्यारी दोस्तों डाउन सीलिंग LED लाइट्स के साथ। पूरे घर में आपको स्प्लिट इसकी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाएगी रूफ हाइट तक। देखिए बहुत बहुत ज़्यादा स्टोरेज आपको मिलने वाली स्लाइडिंग के साथ है, और सेम एज इट इज आपको स्लाइडिंग के साथ इधर से भी मिलता है। ये अंदर आपका लॉकर भी आ जाएगा, नीचे आपके शू रैक आ जाएंगे, ये देखिए। तो तीन तीन कंपार्टमेंट आपको शू रैक के लिए मिल जाते हैं, और बिल्कुल इसी के साथ हमारा आ जाएगा दोस्तों ड्रेसिंग एरिया। ये देखिए हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, इसके नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी, बहुत बड़े बड़े कंपार्टमेंट आपको स्टोरेज के मिल जाएंगे। और सेम इसी के साथ दोस्तों मैच करता हुआ आपको यहाँ मिल जाएगा बहुत बड़े साइज का टीवी पैनल, ये देखिए बहुत बड़े साइज का आपको टीवी पैनल मिल जाता है। अब देखिए नीचे आपको सारे कंपार्टमेंट मिलते हैं, आपका सेटअप बॉक्स रिमोट वगैरह सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ अपना डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई दोस्तों आपके टॉयज है सॉफ्ट टॉयज वो आ जाएंगे, और ये देखिए इसमें आपको ये मिलेंगे कंपार्टमेंट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों बहुत बड़ा मिरर, इसके नीचे भी देखिए आपको ये स्टोरेज मिल जाएगी, और यहाँ पे हमारी आ जाएगी विंडो वेंटिलेशन के लिए, और बिल्कुल इसी के साथ हमारा आ जाएगा अटैच वॉशरूम। आप देखिए एक बार वॉशरूम का व्यू, और इस वॉशरूम का जो साइज रहने वाला है वो है 6x5 का। आपकी सारी दोस्तों फिटिंग जो यहाँ पे इंस्टॉल होगी सारी स्टैंडर्ड की रहने वाली है, रूफ हाइट तक टाइल्स लगी है, कोई सीलन पपड़ी का इशू नहीं है, और यहाँ पे आपकी वॉल हैंग सीट ही इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों सारा कुछ आपका ब्रांडेड ही इंस्टॉल होने वाला है, बहुत प्यारा घर बना हुआ, सीरियसली आप एक बार इसको जरूर देख लें। तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम, इसके अगर मैं साइज की बात करूं अगेन 13x11 इसका साइज रहने वाला है, और इसकी भी देखिए दोस्तों डाउन सीलिंग बहुत प्यारी एक अलग डिजाइन के साथ बहुत अच्छी लुक निकल के आ रही है। ये वॉल पे आपका पूरा वॉलपेपर आ जाएगा, और अगेन आपकी सेम सिमेट्री आ जाएगी दोस्तों हमारे वार्डरोब की, ये देखिए बहुत बड़े साइज के दोस्तों, इसलिए स्लाइडिंग के साथ आपको यहाँ लॉकर मिल जाएगा। ये आ गया हमारा लॉकर, अगेन हमारे आगे दोस्तों शू रैक आगे नीचे, आप इसको जैसे मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा आ गया दोस्तों ड्रेसिंग एरिया, और इसके पीछे भी स्टोरेज मिल जाएगी, इसके ऊपर भी देखिए स्टोरेज मिल जाएगी, और इसके नीचे भी हमें स्टोरेज मिल जाएगी। तो हमारी माताओं और बहनों के लिए ड्रेसिंग टेबल तो मिलते ही मिलते हैं। ये मैचिंग आपका बहुत बड़े साइज का हमारा आ जाएगा टीवी पैनल, और इसमें भी आपको देखिए स्टोरेज मिल जाएगी, और इसके साथ साथ अगर बात करूँ हमारे अटैच वॉशरूम की, आप एक बार देखिए वॉशरूम का व्यू। इस वॉशरूम का जो साइज रहने वाला है वो है 6x5 का। तो ये देखिए रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई हैं, आपकी वॉल हैंग सीट इंस्टॉल होगी इसमें, यहाँ पे विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए, और नीचे सारी आपकी एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई हैं। तो ये था हमारा अटैच वॉशरूम, बिल्कुल इसी रूम से हमें एक्सेस मिल जाता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का। ये देखिए मैश डोर आपको इसमें भी इंक्लूड रहने वाले हैं। इसकी अगर मैं दोस्तों साइज़ की बात करूँ 7x5 इसका साइज रहने वाला है। यहाँ पे आपको टैप की फ्रिजनी मिल जाएगी, अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दोनों वॉशरूम की और दोनों आपके बेडरूम की वेंटिलेशन मिलती है, और यहीं से हमारा डक्ट एरिया आ जाता है। तो ये था हमारा व्यू ग्राउंड फ्लोर का। तो आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और वहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। और अगर आप दोस्तों रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, डे वन से आपको रेंटल इनकम भी आ सकती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी हैं, तो रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो आइए आपको दिखाता हूँ, आप ऊपर का दोस्तों जो पोर्शन है डे वन से रेंट आउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो देखिए पूरा स्टेयर केस एरिया में ग्रेनाइट लगा हुआ है, और ये हमारी आ जाती है स्टील रेलिंग, देखिए पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ है। और जैसे हम पोर्च एरिया पे आते हैं, सबसे पहले आप देखिए ऊपर, यहाँ पे भी डाउन सीलिंग LED लाइट्स के साथ वुडन का बहुत अच्छा यूज़ करा गया है,
और ये हमारा आ गया पॉर्च एरिया। ये देखिए पूरे पॉर्च एरिया का व्यू। अगर मैं पॉर्च एरिया की साइज़ की बात करूँ तो साइज़ रहने वाला है 12x5 का, और फ्रंट में हमें बहुत बड़े साइज़ की मिल जाती है बालकनी। ये देखिए ये हमारा वही एलिवेशन दोस्तों, इसमें भी एलईडी लाइट्स का बहुत अच्छा यूज़ करा गया है। और अगर मैं बालकनी की बात करूँ 22x3 इसका साइज़ रहने वाला है। और एक बार कैमरा मैन आपको सामने का भी व्यू दिखा दे, ये देखिए पूरी कोठियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, बहुत अच्छी गेटेड सोसाइटी रहने वाली है। और इसको आप चेक करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फिर हमारी फर्स्ट फ्लोर के अंदर। बहुत हैवी आपका मेजरर आ जाएगा। और ये आ गई हमारी फर्स्ट फ्लोर। ये हमें सबसे पहले मिल जाएगी किचन। और अगर मैं किचन के साइज़ की बात करूँ तो इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है 10x9 का। अगेन आपको एल शेप में किचन मिल जाती है। स्टार्ट करते देखिए हाइड्रोलिक के साथ, ये भी आपकी सॉफ्ट क्लोजर के साथ, ऊपर भी देखिए आपको ये हाइड्रोलिक के साथ मिलने वाली है। यहाँ पे आपको चिमनी की प्रिजनी मिल जाएगी। और ये देखिए एक अच्छे साइज़ की दोस्तों किचन मिल जाएगी आपको। अगर इसको डे वन से रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डबल सिंक, नॉइस प्रूफ सिंक आएगा। यहाँ बहुत बड़े साइज़ की विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए। आपको आरओ चिमनी की प्रिजनी इसमें करके दी जा रही है। और ये हमारा पूरा 1 BHK का सेटअप आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिलता है। और ये एंट्री आ जाती हमारे बेडरूम की। और इस बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका साइज़ रहने वाला है 12x11 का। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अगेन बहुत प्यारी आपको डाउन सीलिंग मिल जाती है एलईडी लाइट्स के साथ। यहाँ पे आपको फ्रंट में बहुत बड़ी साइज़ की विंडो मिलती है ग्लास के साथ और आपके मेश के साथ, ताकि आपका वेंटिलेशन बना रहे। और ये देखिए बहुत बड़े साइज़ का आपको बेडरूम मिलता है ईजिली दोस्तों। 1 BHK में जो रेंट चलता है 10,000 के आसपास तो दोस्तों चलता ही है। अगर आप इसको फर्निश करके देते तो आपको 15,000 भी मिल सकता है। और इस रूम के आगे ये हमारे ड्रेसिंग एरिया। इसकी अगर मैं दोस्तों साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है 7x6 का। ये हमारा आ गया दोस्तों ड्रेसिंग टेबल। पीछे आपको स्टोरेज मिल जाएगी। ये नीचे भी आपको देखिए बहुत बड़े बड़े कंपार्टमेंट स्टोरेज के मिल जाते हैं। ये हमारे आगे वार्डरोब, शू रैक आपको मिल जाएंगे। और ये आ गया हमारा वार्डरोब। अगेन रूम 5 तक है तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और बिल्कुल इसी के साथ हमारा आ जाएगा दोस्तों कनेक्टेड वॉशरूम। और अगर आप देखिए एक बार वॉशरूम का व्यू, और अगर मैं वॉशरूम के साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है 8x5 का। देखिए रूफ आइस तक टाइल्स लगी हुई हैं और इसमें आपको विंडो भी मिलती है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पर आपकी फिटिंग सारी दोस्तों स्टैंडर्ड की ही इंस्टॉल होने वाली है। नॉन ब्रांड कुछ नहीं यूज़ करा हुआ, बहुत प्यार से बहुत दिल से इसको बनाया हुआ है आपके लिए। आप इसको एक बार ज़रूर विज़िट कर लें, मेरी गारंटी है दोस्तों आप इसको एक बार आके विजिट करोगे तो आपको ये बहुत अच्छी, और आप इसको लेके जाने वाले हो। तो आइए इसके साथ हमें बहुत बड़ी रूफ भी मिलती है। ये आ गया हमारा रूफ, बहुत बड़े साइज़ की आपको ये रूफ मिलती है देखिए। और यहीं से हमारी स्टेयर्स आ जाती हैं हमारी सेकंड फ्लोर के लिए। आप चाहें तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपना दोस्तों। 2 BHK आपका यहाँ और बन जाएगा। और यहीं पर हमने आपको टैप की प्रोविजनिंग दे रखी है, आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ लगा सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारी आगे टैप की प्रिजनिंग, यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। और सेकंड फ्लोर भी दोस्तों बनाना प्रूफ है, आप इसमें और कंस्ट्रक्शन करिए और डे वन से रेंटल इनकम जनरेट करें। तो अगर आपको दोस्तों ये घर अच्छा लगा, आप हमें सपोर्ट भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसकी प्राइसिंग साइजिंग लोकेशन सारी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ ज़रूर चेक करें। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज ज़रूर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट कर दें। और दोस्तों सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।